हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चेक कर रहे हैं आपकी और उनकी एनर्जीज कैसी हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे ना तभी रेजोनेट कर जाएगी, लेकिन जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग, इवन अगर मैं करेक्टली बोलूँ तो सभी ह्यूमंस इस रीडिंग को ओपनली देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो अनमैरिड हों, चाहे वो सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो। सो विदाउट मच फर्दर एडू, लेट स्टार्ट। देखते हैं कि आपकी क्या आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, एंड आप दोनों की। फिर हम चेक करेंगे वन कार्ड से कि म्यूचुअली क्या एनर्जीज है। सो लेट्स चेक। सबसे पहले आपकी एनर्जीज, अगर आपकी एनर्जीज मैच कर रही है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। स्ट्रेंथ का कार्ड है 8, 19, 27 नंबर प्रोमिनेंट है। लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है और सभी जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग है, बिकॉज यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। 21, 3, 30, 12 नंबर प्रोमिनेंट आपके लिए, आपके पर्सन के लिए हो सकते हैं। और नंबर चेक करें तो 4, 22, 31, 13 एंड 5, 14, 23 नंबर भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। टोरस एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी, लियो एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, वर्गो एनर्जी, टोरस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो बताती हूँ मैं आपको कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या हैं। आप इस रिश्ते में बहुत पावर और बहुत पोटेंशियल फील करते हो। अगर आपको कोई बोल देना कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, तो आप इस रिश्ते से चाहकर भी मूव ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत प्यार से संजोया है। आपके पर्सन हो सकता है कि शुरू में मानते ही ना हो या फिर अभी भी नहीं मान रहे हो, बट स्टिल आप एफर्ट्स लगा रहे हो। आपको भगवान में विश्वास है, खुद के एफर्ट्स पे विश्वास है, खुद पर विश्वास है, और वेट कर रहे हो इस रिश्ते में एक नए साइकिल का, जो कि एक रोमांटिक साइकिल हो सकता है या फिर कई लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन का साइकिल हो सकता है। तो मैं ये आपको बता दूं कि आपको पता है कि ये रिश्ता बहुत पावरफुल है, आप लोगों का जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। आप इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव हो कि प्रेजेंट में कुछ भी चले लेकिन फ्यूचर आप दोनों का ओसम होगा। आपको लगता है बड़ी से बड़ी मुश्किल से आप पार निकल जाओगे और फाइनली इस रिश्ते में आप दोनों एक हो जाओगे। तो आपकी एनर्जीज इस टाइम बहुत पॉजिटिव है। बात करते हैं आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन भी आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ इस कनेक्शन में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, धार्मिक हुए हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ समझ रहे हैं एंड काफ़ी अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, वो एक्शन जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था, क्योंकि इनका वन जो फुट है वो आगे है, ठीक है। आपको प्यार भरा प्रपोजल सेंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर उनको कोई डाउट नहीं है। द हायरोफेंट इज इम्प्लाइंग कि वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं, परमानेंट वाला, या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल सेंड करना चाहते हैं। जहाँ आप इतने श्योर हो कि फ्यूचर आप लोगों का ब्राइट होगा, वहीं आपके पर्सन आपके साथ मैरिज और रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव हो आप दोनों। जहाँ आप दोनों इतने पॉजिटिव हो तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कैसे नहीं होगी। डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन एंड मैरिज बहुत नियर है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड ये है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि म्यूचुअल एनर्जी ये है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हो। आप दोनों ही कोई जल्दबाजी करके इस कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाहते। आप दोनों ही एक दूसरे को लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हो। आप इनके किंग बनना चाहते हो या क्वीन बनना चाहते हो, और वो भी आपके किंग और क्वीन बनना चाहते हैं। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट एंड स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आप दोनों ही इस टाइम बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं। यहाँ पे 3-3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑसम रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, थ्री मंथ्स बहुत ऑसम रहने वाले हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत पॉजिटिव चेंज इस रिश्ते में एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपके लिए मीनवाइल क्या गाइडेंस है? डिवाइन आपको कहना चाहती है कि अगर बात होती है तो अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए, अपने गोल पे फोकस करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो हर तरीके से, सो दैट इस रिश्ते की भी ब्लॉकेजेस रिमूव हो और जल्दी से आपको सब कुछ हासिल हो। और सेकंड थिंग डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है, जो आपका है वो आप तक फाइनली आएगा ही। 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल से चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। 1, 19, 28, 10 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं।
एंड ज़्यादा क्लैरिटी के लिए यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली बुक करा सकते हैं। वो पेड होती हैं और पूरी डिटेल उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।